हसीना ने की है ऐसी बेहद घटिया हरकतें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीवी की नागिन निया शर्मा की। जी हाँ, जो कि अपना यहाँ पर जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं और अब वो 32 साल की हो चुकी हैं। हालांकि इतनी कम उम्र में ही निया शर्मा ने टीवी की एक बड़ी स्टार बन चुकी है। हालांकि निया शर्मा अपने शो से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में दिखती हैं और लाइमलाइट में नजर आती हैं। बीते कुछ समय में निया शर्मा कई बार ट्रोलर के हत्थे चढ़ चुकी हैं। कई बार लोग निया शर्मा को सोशल मीडिया पर आड़े हाथ लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि निया शर्मा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि निया किन किन वजहों से ट्रोल हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर निया शर्मा अपने ही को स्टार रवि दुबे के साथ कंट्रोवर्सी में आई थी। ऐसा कहा गया था कि उनके शो जमाई राजा में उनकी रवि दुबे से कुछ खास बनी नहीं थी, क्योंकि रवि दुबे को निया शर्मा के नखरे ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तो वही यहाँ पर निया अक्सर जो है सोशल मीडिया पर अपनी डांस के कुछ वीडियोस शेयर करती नजर आती हैं, जिनमें फैंस या व्यूअर को उनके डांस मूव बिल्कुल पसंद नहीं आते और इससे भी निया शर्मा मुसीबत में पड़ गई। लेकिन इस समय कोरोना काल में जब निया शर्मा ने अपना बर्थडे केक काटा, तो उसके बाद तो यहाँ पर लाइमलाइट की बाहर आ गई थी। भाई, लाइमलाइट से मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी की। जहाँ पर निया शर्मा के पेनिस शेप के केक को देखकर सभी भड़क उठे थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी निया शर्मा। उसके अलावा जब यहाँ पर अब झलक दिखला जा 10 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निया शर्मा दिखी तो मीडिया के आगे डांस करती हुई दिखी थी, और ऐसा ये देखकर कुछ लोगों का कहना था कि निया जानबूझकर यहाँ पर ये सब करती हैं ताकि उन्हें लाइमलाइट मिल सके। तो गाइस, इस पर क्या है अब आप सभी का कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।